जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। जी मैं हूँ अकबर बलोच और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एबी व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया हुआ है और माशाल्लाह अभी हम जा रहे हैं मनोड़ा बीच। अभी हम बोट में बैठ रहे हैं, यहाँ से बोट में बैठ के दूसरी तरफ जाएँगे। तो आप लोग व्लॉग पूरा देखिएगा, आज का व्लॉग बहुत मज़े का बनने वाला है। तो मिलते हैं आगे वीडियो में। व्यूअर, बोट में हम बैठ के और हमारे कुछ गेस्ट आए हुए थे पंजाब से, ये भाई आए हुए थे पंजाब से, इनको घुमाने के लिए लेके जा रहे हैं मनोड़ा बीच। इनकी बहुत ख्वाहिश थी कि यहाँ पे जाएं, तो मैंने कहा चले जाते हैं, अभी बोट में बैठ के हैं तो आगे चल के मिलते हैं आगे। व्यूअर, हम नट्टी जट्टी जो पुल है उससे ये रास्ता जाता है किमाड़ी से, नट्टी जट्टी पुल से आगे किमाड़ी ये रास्ता जाता है। यहाँ पर सारी लांचें हैं और कुछ जहाज़ भी खड़े हैं नेवी की और इस तरह की ना, जो बाहर से आता है इम्पोर्ट होके माल। तो हम अभी रवाना हो गए हैं यहाँ से, ये देख लें वीडियो में हम जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो आप लोग व्लॉग पूरा इंजॉय करो, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग। और पानी ये थोड़ा गंदा इसलिए है क्योंकि हमारी अवाम जो है इसमें कचरा भी फेंकती है और गंद वगैरह भी फेंकती है, तो इसलिए ये पानी थोड़ा कलर इसका इस तरह लग रहा है। लेकिन आगे वाला पानी जो है वो नीट एंड क्लीन है। तो मिलते हैं आगे वीडियो में। व्यूअर, सफ़र काफ़ी लंबा है, अभी हम जो है वो दूसरे किनारे पहुँचने वाले हैं। तो मौलवी साहब भी खुश। मेरे प्यारे व्यूअर्स, हम इधर पहुँचे हैं, यहाँ पे हम कुछ देख रहे हैं, ये बनी हुई हाथ की चीज़ें हैं और भी काफ़ी चीज़ें हैं। आप लोग भी यहाँ पे आएँ मनोड़ा बीच जाने से पहले जो रास्ता जा रहा है, ये आगे स्टॉल लगा के बैठे हैं, जहाँ से आपने कोई ख़रीदारी करनी हो, कुछ चीज़ें लेनी हो, किसी को गिफ्ट करना हो, तो यहाँ से आप आके ले सकते हैं। तरह तरह की चीज़ें हैं ये मनोड़ा बीच जाने से पहले। और अभी हम यहाँ से आगे गाड़ी में बैठेंगे तो वो हमें मनोड़ा बीच पे ले जाएगी। तो मिलते हैं आगे इसी तरह वीडियो में। आप लोग व्लॉग में साथ रहें, एंजॉय करें, मिलते हैं आगे। वेलकम टू मनोड़ा बीच। व्यूअर, मनोड़ा बीच हम पहुँचे हैं, जहाँ पे आवाम का काफ़ी रश है, जितना समुंदर है उतनी आवाम है। आप लोगों को अंदर गेट में इंटर होके दिखाते हैं और रश काफ़ी ज़्यादा है और जगह बहुत खूबसूरत है। तो आगे चल के देखते हैं। व्यूअर, यहाँ पे बहुत तेज़ हवा और ठंडी हवा चल रही है और उसके बाद जो है यहाँ पर आपको पता है समुंदर है, तो यहाँ पर नमी भी होती है। तो अभी हम अंदर इंटर हुए हैं गेट के और देख लें आप समुंदर, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और बहुत सुकून भरी जगह है। तो मिलते हैं जी व्यूअर्स। देखें अभी आप लोगों ने अगर हॉर्स राइडिंग करनी हो, यहाँ पे घोड़े भी हैं, कैमल्स भी हैं, ऊँट भी हैं। तो खैर मैं तो नहीं चढ़ता क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस एक दफ़ा हुआ है, तो मैं नहीं चढ़ता घोड़े पे क्योंकि यहाँ पे आवाम का रश है, तो बंदा गिर जाए तो बुरा लगता है। तो इसलिए जो है वो मैं ना ऊँट पर चढ़ रहा हूँ ना घोड़े पर। तो अभी मैं साथ साथ वीडियो भी बना रहा हूँ, आप लोगों को दिखा रहा हूँ, वो आगे तक आवाम है, काफ़ी रश है। तो आज जो है वो वीकेंड भी है, इस वजह से आवाम का रश है। अब व्यूअर, भाई हमारे साथ हैं और इनको बहुत मज़ा आ रहा है, यहाँ पे बीच पे सुकून है, मज़ा है, ठंडी हवा चल रही है। और वैसे भी कराची का मौसम अभी 2 माह से चेंज हो गया, गर्मी नहीं है, तो इसी तरह वीडियो में रहें। व्यूअर, नमी इतनी है, हवा तेज़ चल रही है ना, तो मेरी तो आँखों से पानी आ रहा है ना, और लोग नहा भी रहे हैं, तो मैं तो पानी में नहीं जाता आगे, ना कभी नहाया हूँ और मुझे इतना शौक़ भी नहीं है नहाने का। तो आप लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, इनमें से आप मुझे बताइएगा कि कौन कौन कराची में से इस जगह पे आया है मनोड़ा बीच पे। बहुत अच्छी जगह है, प्यारी जगह है, खूबसूरत जगह है। और व्यूअर, भाई हमारे साथ हैं और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। तो आप व्लॉग देखो, इंजॉय करो। व्यूअर, मैं तो उधर नीचे आंखों में नमी की वजह से पानी काफ़ी आ रहा था, मैं इधर ऊपर आया हूँ। इधर हम कुछ खाते हैं, खा के आप लोग व्लॉग इसी तरह साथ देखते रहें, और यहाँ पे हम कुछ पेट पूजा करते हैं और मिलते हैं आगे साथ वीडियो में। जी व्यूअर, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो देखी, अभी हम बैठे हैं, फूड कॉर्नर है यहाँ मनोड़ा बीच के साथ ही, यहाँ पर कुछ खाने पीने के लिए बैठे हैं, ऑर्डर दिए वो खाते हैं इंशाल्लाह। और फिर आगे वीडियो में मिलते हैं, मैं आगे आप लोगों को आगे दिखाता हूँ वीडियो में, मिलते हैं आगे वीडियो में। व्यूअर, कोल्ड ड्रिंक और पेट पूजा हमने की है, यहाँ पे कुछ फास्ट फूड खाए। तो अभी मैं नीचे जाता हूँ, आप लोगों को जो खाता हूँ। ये देखें जी भाई, टैंक भर के खड़े हैं, जहाँ पे आप अगर वहाँ पाँव धोना चाहें तो इसके भी आपको पैसे देने होंगे, 20-30 रुपये। मैंने तो खैर नहीं धुलवाए, लेकिन जी क्योंकि मैं तो जूते उतारते ही नहीं और ना पानी में जाता हूँ, तो जिन्होंने धुलवाए हैं पता नहीं 50 ले रहे हैं, 30 ले रहे हैं। लेकिन लोगों ने यहाँ पर कारोबार बनाया और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा चार्जेज हैं चीज़ों के, ज़्यादा ले रहे हैं ये। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम कराची की माड़ी से इधर हॉक्सबे की तरफ आ रहे थे, तो वहाँ पे शुरुआत जो की है ना, वो बाइक पार्किंग और वो भी फुटपाथ पे। आप लोग जो मेरी वीडियो कराची में देख रहे हैं और अगर जिनका एक्सपीरियंस रहा है हॉक्सबे मनोड़ा बीच, वो भी की माड़ी की तरफ से होके अगर वो हॉक्सबे मनोड़ा बीच आए हैं मनोड़ा बीच पर,
तो उनको पता होगा कि वहाँ पे पार्किंग नहीं है, वहाँ पे सिर्फ फुटपाथ है। और वहाँ पे पार्किंग का हमने एक बाइक का 100 रुपये वहाँ से शुरू किया है, फिर आगे गेट है, फिर गेट से आगे बोटिंग है, बोटिंग पे बैठने का 100 रुपये 1 पर्सन का, फिर आगे वहाँ से उतर के फिर जब आप दूसरी तरफ आते हो फिर आगे और गेट आता है, वहाँ पर आपने 30 रुपये 1 पर्सन देने हैं। फिर आगे मनोड़ा बीच के साथ एक उन्होंने कैबिन बनाए हुए हैं, वहाँ पे 1 पर्सन का 50 रुपये, बच्चे का मेरे ख्याल में 50 है और बड़ों का 100 रुपये या 80 रुपये इतना ले रहे हैं। मतलब ये टैक्सेस ले रहे हैं और ये नजायज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आई। तो मेरी जो वीडियो कराची की आवाम देख रही है और वो कॉमेंट्स में बताया कि ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी और ये जुल्म है पाकिस्तानी आवाम पे। यार हम लोग इंजॉय करते हैं, हफ्ते में एक दिन होता है संडे वाला, उस इंजॉय करने वाली जगह पे भी और ऐसी ओपन जगह पे भी, वो भी सीवी हो गया, मनोड़ा हो गया, बीच हो गया, यहाँ पे भी हमने पैसे वो कम से कम 2000 रुपये हुआ है। तो ये यहाँ तक पहुँचने का 2000 रुपये हम दें तो आप ख़ुद बताएं कि अब हम खुद गलत है ना, आवाम गलत है। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि अपनी राय दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारी जो हुक्मरान है यहाँ पे कराची सिंध गवर्नमेंट, उनको भी पता चले कि वो भी ख़ुद भी आएँ इधर और आके चेक भी करें और तायद भी करें कि ये गलत हो रहा है। तो मुझे तो नहीं समझ में आया ये काम। और आप लोग ये व्लॉग देखें, इंजॉय करें। और पानी यहाँ पे बहुत चढ़ा हुआ है, समुंदर का पानी बड़ा तेज़ छले मार रहा है, मैं आगे नहीं गया। तो इंशाल्लाह आप लोग इसी तरह व्लॉग देखें, इंजॉय करें, आप लोगों को मज़ा आएगा और इसी तरह नेक्स्ट व्लॉग भी मेरे मज़े के आते रहेंगे इंशाल्लाह। तो अभी मुझे थकन भी हो गई है, तो अभी देखते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं वापस जाने का। तो आप लोग वीडियो देखो, साथ साथ रहो, तो मिलते हैं आगे वीडियो में, व्लॉग में। व्यूअर मैं तो यार बोल बोल के भी थक गया हूँ। ये देखें बाइक कितने सुकून से जा रहे हैं, ऊँट ले के लोग ऊपर इंजॉय कर रहे हैं बैठ के, और आप लोग भी यहाँ इंजॉय करें जी। व्यूअर तो अभी हम वापसी मनोड़ा बीच से वापसी हम किनारे पे आए हैं, जहाँ पे हम बोट पे बैठेंगे और वापसी जाएंगे घर। आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करेंगे और थकन काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो अब इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक दुआ में याद रखें और वीडियोज़ ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, शेयर करें, लाइक करें, कॉमेंट्स करें।